स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में बताएंगे कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इन सब के बारे में बताएंगे कि मेटल होता क्या है, नॉन मेटल क्या होता है। तो स्टूडेंट, हम एक एक करके बताएंगे स्टील क्या होता है। बेसिकली जो मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं, एंड जितने भी आप मेटल देखेंगे वो सॉलिड है। अगर मर्करी को छोड़ दिया जाए तो सारे जो मेटल होते हैं वो सारे सॉलिड होते हैं। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है, लस्टर होते हैं। लस्टर मीन्स स्पेशल टाइप, जितने भी सॉलिड होते हैं, जितना मेटल होता है वो सब में स्पेशल टाइप ऑफ शाइनिंग होती है, वो सब सारे चमकते हैं। जैसे आप गोल्ड ले लीजिए या सिल्वर ले लीजिए, सब में क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ शाइनिंग होती है, सब में चमकते हुए चमक, सब में चमक। और तीसरा जो है डक्टिलिटी होता है। डक्टिलिटी मीन्स जब हम लोग इसको खींचेंगे तो क्या होगा, सारा वायर नुमा इसमें दिखाई देगा, यानी यू कैन ड्रॉ इनटू वायर। तो आप समझ गए कि सारे लगभग कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, लस्टर और स्पेशल टाइप ऑफ शाइनिंग होती है। और उसके बाद तीसरा जो है वो डक्टिलिटी होता है, यानी सब क्या होते हैं, वीक सारे इनको हम लोग वायर के नुमा खींच सकते हैं। उसके बाद मेरिबिलिटी मतलब उसको क्या कर सकते हैं, जब हम किसी भी हार्ड चीज़ से, अगर जैसे आयरन को अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हथौड़ी से पीटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक थिन शीट नुमा फॉर्म हो जाएगा, ये इसका अलग मेरिबिलिटी होता है। और उसके बाद जितने भी मेटल्स होते हैं वो सोनरस होते हैं। सोनरस मीन्स जब हम इसमें बीट करेंगे तो स्पेशल टाइप ऑफ साउंड प्रोड्यूस होगा, यानी आप देखेंगे जैसे आप स्कूल में बेल लगती है तो आपने टन टन की आवाज़ आती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो होता है वो टन टन की जो आवाज़ होती है वो सारे क्या होते हैं, सोनरस होते हैं। तो आप ये समझ गए कि मेटल क्या होते हैं। इसी के अपोजिट्स जो नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल क्या होगा कि ये ज़्यादा जो होंगे सॉलिड नहीं होंगे, और ब्रोमियम को अगर छोड़ दिया जाए तो। और उसके बाद लस्ट्रस तो नॉन लस्ट्रस होते हैं, यानी नॉन मेटल सल्फर दे दिया जाए तो इसमें कोई भी चमक नहीं मिलती। और ये डक्टिलिटी भी नॉन डक्टाइल होते हैं नॉन मेटल। और उसके अलावा इनमें जो मेरिबिलिटी होती है, मेरिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि जब हम लोग इसको अगर किसी चीज़ से अगर बीट करेंगे तो ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और उसके नॉन सोनरस बीट करेंगे तो ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और उसके नॉन सोनरस होते हैं ये, यानी इसमें कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो स्टूडेंट, आप लोग जान गए मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। अब हम बताएंगे मेटलॉइड्स क्या होते हैं। मेटलॉइड्स वो होते हैं जो दोनों की प्रॉपर्टीज को बताते हैं, मेटल और नॉन मेटल दोनों की जो प्रॉपर्टीज को बताते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलॉइड। जैसे आपका सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब सारे जो हैं ये सारे मेटलॉइड्स हैं। तो आप ये जान गए कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है और मेटलॉइड्स क्या है। तो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टॉपिक मेटल एंड नॉन मेटल। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।